flying a kite. ये चमकता हुआ एक सुनहरा दिन है। पेपा और उसका परिवार पार्क में है। वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं। पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा। जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती। जॉर्ज तुम सब गलत कर रहे हो। तुम बहुत तेज नहीं दौड़े। अब मेरी बारी है। पेपा बहुत तेज दौड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी। बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा। देखो हवा चल रही है। अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है। अब हवा काफी तेज है। अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। शुक्रिया डैडी। डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं। और ऊपर और ऊपर। डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। वाओ। मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ। उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है। चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई। ओह नहीं। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। हाँ। ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ। ओ। पीछे रहो बच्चों। जरा ध्यान से डैडी पिग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जरा ध्यान से। बस थोड़ा सा और डैडी। डैडी पिग, तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो। रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ। डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया। ओह डियर, सब के सब मिट्टी में सन गए। ये तो सिर्फ मिट्टी है। अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई। मम्मी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते। और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में। ट्रेजर हंट। दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग, आपका काम हो गया? पेपा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग।
पेपा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग, वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए। क्या कीजिए? हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग, दादा जी। ओह, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना! कहाँ है वो? ओ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए, ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओह, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो? जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने। देखो, वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पेपा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना! बहुत अच्छे। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी, दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग के घर लंच पर आए हैं। दादी पिग, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिग, दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियाँ उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियाँ चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा।
दादा पिग। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। बुद्धू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिग की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओ जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। न्यू शूज। पेपा और जॉर्ज गार्डन में खेल रहे हैं। पेपा, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ओह, वो खो गए। मुझे लगता है हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ। सब पेपा के जूते ढूंढ रहे हैं। मम्मी पिग फूलों में ढूंढ रही हैं। पेपा के जूते वहाँ नहीं हैं। ओह। डैडी पिग व्हील बैरो में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। ओह। पेपा और जॉर्ज गमलों में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। हमने सब जगह देखा लेकिन पेपा के जूते कहीं नहीं मिले। पेपा के जूते खो गए। अब मेरे पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं है। बेचारी पेपा, तुम्हारे जूते पुराने हो गए थे। हम नए जूते ले आएंगे। क्या मेरे नए जूते लाल होंगे मम्मी? बिल्कुल लाल होंगे। जॉर्ज, मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ। मम्मी पिग और पेपा मिस रैबिट्स की जूतों की दुकान में हैं। हेलो मिस रैबिट। हेलो मम्मी पिग।
हमें पेपा के लिए नए जूते खरीदने हैं प्लीज। लाल जूते। जरूर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पेपा। लाल जूते प्लीज। बिल्कुल, लाल जूते। वाओ, नए लाल जूते। जॉर्ज और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। ओह, शाबाश जॉर्ज। डैडी, डैडी, मेरे नए जूते देखिए, ये लाल हैं। ओ हाँ, ये लाल हैं। मम्मी, आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते? हाँ पेपा, इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। जॉर्ज, तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे? सबको पेपा के नए जूते अच्छे लगे। मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे हैं कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी। ये नहाने का समय है। पेपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं। पेपा ने अपना पैजामा पहन लिया, लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं। पेपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है। पेपा, क्या तुम पक्का अपने जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपने नए जूते कभी नहीं उतारूंगी मम्मी। ठीक है, गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट मेरे छोटे बच्चों। पूरी रात बारिश होती रही और अब गार्डन बहुत गीला है। मम्मी पिग ने अपने बूट्स पहने हैं, डैडी पिग ने भी अपने बूट्स पहने हैं, जॉर्ज ने भी अपने बूट्स पहने हैं, पेपा ने अभी तक अपने नए लाल जूते पहन रखे हैं। जॉर्ज गीली घास में खेल रहा है। ओ डियर, पेपा को गीली घास में खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने नए जूते गीले नहीं करना चाहती। मैं गीली घास में नहीं खेल सकती जॉर्ज। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। पेपा को गड्ढों में कूदना पसंद है, लेकिन वो अपने नए जूते मिट्टी में गीले नहीं करना चाहती। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। ये पेपा कहाँ जा रही है? पेपा अपने बूट्स पहन रही है। अगर मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें बूट्स पहनने चाहिए। गार्डनिंग। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। ग्रैंडपा पकड़ो। हो, पकड़ो। ओ, ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। ग्रैंडपा आप क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा, फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओ हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़ इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ, फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी।
क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पापा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पापा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा, हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? हाँ, अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। हाँ जॉर्ज, तुम लगाओ गाजर। ग्रैंडपा, मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है। जॉर्ज, क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना। तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है। डायनासोर। जॉर्ज उगाना चाहता है एक डायनासोर पेड़। तुम भी जॉर्ज, डायनासोर पेड़ पर नहीं उगते हैं। गर्मी का दिन। सूरज चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कितना प्यारा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए। मुझे मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड्ढे सूख गए हैं। मम्मी, डैडी, गड्ढे सारे सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते। कोई बात नहीं पेपा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो। हाँ, स्विमिंग पूल। लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे। जी मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं। मम्मी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है और डैडी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। बहुत धूप है, तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी। याक, बहुत चिपचिपा और गंदा है। या। इसकी क्या जरूरत है? है, आज हम सबको जरूरत है। चलो जॉर्ज। इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं। डैडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं। कितना आसान है। पेपा ने पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा और जॉर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम। गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी, डैडी, क्या
जॉर्ज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिग के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघल कर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिग सो गए। डैडी पिग को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी डाला। ओह अच्छा, थैंक यू पापा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज जूते पहनो। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हैं। पेपा और जॉर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है, पर सबसे ज्यादा उन्हें गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है। प्लेग्राउंड। पेपा और जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं। कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइंबिंग फ्रेम पर हैं। रेबेका रैबिट, सूजी शीप और डैनी डॉग स्लाइड पर खेल रहे हैं। पेपा झूले पर झूल रही है। मम्मी मम्मी झूला झुलाओ ना। तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत ऊंचा जाना है। और ऊपर मम्मी। जॉर्ज को भी झूले पर झूलना है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। कस कर पकड़ो। मैं जॉर्ज को झुलाऊंगी। जॉर्ज को धीरे से झुलाना पेपा। जी मम्मी। कस के पकड़ना जॉर्ज। ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जोर से झूला झुलाया। जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा तुम्हें पता है जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। चलो वहाँ खेलते हैं। हेलो सूजी। हेलो डैनी। हेलो पेपा। तुम सब गलत कर रहे हो, झूलने का सही तरीका ये है। पीछे रहो, एक दो चलो। मेरी तरफ देखो, मैं पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ओह, मैं फंस गई हूँ। पेपा टायर में फंस गई है। ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ी हंसी तो आ रही है। तुम्हें बाहर निकालना होगा। पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइंबिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइंबिंग फ्रेम बहुत ऊंची है। जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं। स्लाइड, यिप्पी।
पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है। सबको स्लाइड करना पसंद है। मम्मी, डैडी, मुझे देखिए। एक, दो, चलो, ये। जॉर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है। तुम डरोगे तो नहीं ना जॉर्ज, ये थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओफो, ये भी जॉर्ज के लिए बहुत ऊंचा है। डरो मत जॉर्ज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ। डैडी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं। कुछ भी मत कहो पेपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। चलो पीछे हटो। एक, दो, तीन। डैडी पिक फंस गए। इसमें हंसने की क्या बात है? डैडी, आपको देखकर बहुत हंसी आ रही है। हाँ, शायद थोड़ी हंसी आ सकती है। हमें आपको नीचे ढकेलना होगा। डैडी का पेट उछलने वाले गुब्बारे जैसा है। जॉर्ज को डैडी के पेट पर उछलकर अच्छा लग रहा है। जॉर्ज को अब ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। डैडी का मूवी कैमरा। पोस्टमैन मिस्टर ज़ेब्रा पेपा के घर पर एक पार्सल दे रहे हैं। आपके लिए पार्सल है मिस्टर पिग। थैंक यू मिस्टर ज़ेब्रा। बाय बाय। ये देखो, मेरे लिए अभी पोस्ट से एक पार्सल आया है। चलो बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है। डायनासोर। ओ जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। इतने छोटे पार्सल में डायनासोर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये एक नया खिलौना है। तुम बहुत करीब हो। मुझे पता है इसमें क्या है। आपका नया कैमरा, डैडी पिक का नया खिलौना। बिल्कुल सही, ये मूवी कैमरा है। हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं। क्या मैं इसे पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है। सूजी शीप की मम्मी के पास एक मूवी कैमरा है। वो उसे ऐसे स्विच ऑन करती है। ओहो, शाबाश पेपा। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी पहली मूवी शूट करने के लिए बेताब हूँ। क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है। मूवी 3000। अब वो आवाज नहीं आएगी। शाबाश पेपा। तो पहले किसका वीडियो लूं? डैडी, मेरा लीजिए। ओके पेपा। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। चलो आ जाओ सब लोग। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। अच्छा ठीक है। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं जानती हूँ। डैडी पिग, आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी, पेपा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं, तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज, पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया, अब आप अंदर आ सकते हैं। जॉर्ज ने एक मूवी बनाई है और पेपा ने भी। तो चलो पहले जॉर्ज की मूवी देखते हैं। डायनासोर।
इसमें जॉर्ज एक डायनासोर बना है। ये तो बड़ा डरावना डायनासोर बना है। ओहो, ये क्या? जॉर्ज डर गया। डरो मत जॉर्ज, टीवी पर कोई असली डायनासोर नहीं है, वो तुम हो। डायनासोर। अब पेपा की मूवी देखेंगे। हो हो हो। अब ये कौन है? मैं हूँ डैडी पिग। हो हो हो। अच्छा। मेरा पेट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ। मेरा पेट बड़ा नहीं है, पर ये बात सच है कि मुझे कुकीज पसंद है। और आप जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बड़ा होगा। चलो अब आगे क्या है? ये है मेरा प्यारा छोटा भाई जॉर्ज, ये है मम्मी पिग और ये मैं हूँ। और ये है असली डैडी पिग। म्यूजियम। पेपा और उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं। डैडी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजें होती हैं। आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी। ओह, बहुत ही पुरानी। एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है। वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डायनासोर है। वो डायनासोर। हेलो मम्मी पिग। हेलो मिस रैबिट। कितने टिकट चाहिए आपको? दो बड़े और दो बच्चे। डायनासोर। और एक डायनासोर। पापा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे। पापा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है। यह है रानी की ड्रेस, कितनी प्यारी है। देखो पापा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पापा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पेपा खुद को रानी समझ रही है। कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज। अभी ला कर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पेपा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर कहाँ है? वो कहीं कमरे में ही है। मुझे नहीं दिख रहा, लगता है बहुत ही छोटा डायनासोर है। असल में पापा, वो बहुत ही बड़ा है। ये असली डायनासोर की हड्डियां है। डायनासोर। जॉर्ज खुद को डायनासोर समझ रहा है।
डायनासोर आ गया, बचाओ बचाओ। डायनासोर का कमरा जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और लगता है डैडी पिग पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए। वो कौन सा कमरा है मम्मी? जिस कमरे में केक्स हैं। डैडी पिग को पसंद है म्यूजियम का कैफे। चलो आकर खा लो। ओ हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पापा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष काटेदार गुलाब है। उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियां काटो। दादा पिग, पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ओह, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछालकर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर, और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। नहीं।
मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी। Dressing up. पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी के बेडरूम में खेल रहे हैं। ये क्या चीज है? पेपा को पुराने कपड़ों का एक बॉक्स मिलता है। वाओ, ये डैडी का हैट है और ये मम्मी की ड्रेस है। जॉर्ज, चलो तैयार होते हैं और मम्मी डैडी बनकर खेलते हैं। ये है डैडी का हैट और ये है डैडी का कोट। हेलो डैडी पिग। अब मेरी बारी है। ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हैट है। डैडी पिग, आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पापा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा, पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी। अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए। पेपा, मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओह हाँ, बिल्कुल। हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो। गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो, हो गया। चलो डैडी पिग, ये आपके काम का समय है। गुड बाय मम्मी पिग और डैडी पिग। गुड बाय। डैडी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मैं पेपा नहीं हूँ, मैं मम्मी पिग हूँ और ये डैडी पिग है। डैडी पिग यहाँ कुछ काम करने आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत गहरा गड्ढा है। उम्मीद है आप अपने अच्छे कपड़े पहनकर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग। मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ। सबके लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम। पेपा, जॉर्ज, तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए। मैं हूँ मम्मी पिग और ये है डैडी पिग। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो पेपा और जॉर्ज कहाँ हैं? हम नहीं जानते। ये दुख की बात है, क्योंकि मैं उनकी मनपसंद आइसक्रीम यहाँ लाई हूँ। अगर वो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ हैं। पेपा, जॉर्ज, तुम यहाँ हो। हाँ मम्मी, हम आप और डैडी बनकर खेल रहे थे। तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया।
loses his glasses. डैडी पिग चश्मा पहनते हैं। उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। जब डैडी पिग चश्मा पहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है। लेकिन जब डैडी पिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं। सब कुछ हल्का और धुंधला दिखता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैडी पिग को पता हो कि उनका चश्मा कहाँ है। कभी कभी डैडी पिग अपना चश्मा खो देते हैं। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने डैडी पिग का चश्मा देखा है? उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मम्मी। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिग का चश्मा कहाँ है। ओह डियर, डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिग अपना अखबार नहीं पढ़ सकते। ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता। किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा। क्या आपको याद है आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ रखा था? जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है। अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज, ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है, डैडी का चश्मा। डैडी पिग, आप तब से उसी पर बैठे हुए थे। ओह। अब भी ना डैडी। पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँचा। मैं जानती हूँ कैसे। आप थोड़े भुलक्कड़ तो हैं डैडी पिग, लेकिन अब आप चिड़चिड़े तो नहीं हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा था। पेपा और जॉर्ज लुका छिपी खेल रहे हैं। ये जॉर्ज के छुपने की बारी है। उसे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी, इससे पहले कि पेपा गिनती पूरी कर ले। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात,
जॉर्ज को बिल्कुल समय पर छुपने की एक जगह मिल गई है। दस, तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। पेपा को ढूंढना है कि जॉर्ज कहाँ छुपा है। तुम्हें ढूंढ लिया। पेपा ने जॉर्ज को ढूंढ लिया। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से देख सकती थी। अब पेपा की बारी है छुपने की। तीन। मैं जॉर्ज की गिनने में मदद करूंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है जॉर्ज, अपनी आंखें खोलो। जॉर्ज को ढूंढना है कि पेपा कहाँ छुपी है। पापा मेज के नीचे नहीं छुपी है। जॉर्ज, क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा है? पापा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी? पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज। वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया। अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पापा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओ डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। असल में मुझे लगता है इस न्यूज़पेपर में जॉर्ज के बारे में कुछ है। जॉर्ज, तुम्हें ढूंढ लिया। ओ जॉर्ज, वो छुपने की अच्छी जगह थी। जॉर्ज पूरा समय डैडी पिग के न्यूज़पेपर के पीछे छिपा रहा। बेस्ट फ्रेंड। पेपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है। हेलो सूजी। हेलो पेपा। सूजी शीप पेपा के साथ खेलने के लिए आई है। पेपा को सूजी पसंद है, सूजी को पेपा पसंद है, वो पक्की सहेलियां हैं। पेपा, क्यों ना तुम और सूजी बेडरूम में जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। पेपा और सूजी को पेपा के बेडरूम में खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी।
जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है। जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पापा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? जॉर्ज। पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। मुंह खोलो प्लीज। सूजी जॉर्ज का टेम्परेचर चेक करती है। ओ डियर, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है, मेरे ख्याल से तुम्हें 3 साल तक आराम करना होगा। डैडी बिग जॉर्ज को देखने आए हैं। ओ नहीं, क्या हुआ है जॉर्ज को? चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ खेल है, जॉर्ज हमारा मरीज बना है। ओ समझा, क्या हम मरीज से मिल सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वरना वो थक सकता है। कुकीज। हाँ ये जॉर्ज के लिए है, ये उसकी दवाई है ताकि ठीक हो जाए। माफ करना डॉक्टर, मेरी मदद कर सकती हो? मेरा पेट दुख रहा है, इसमें गुदगुदी होती है। मैं इसके गुड़गुड़ सुन सकती हूँ, मुझे लगता है आपको भूख लगी है। मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी कुकीज खानी चाहिए। और मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। Thank you.